अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। हेलो, रुक गए थे तुम, बड़ा फिर से लो। अरे साउंड 17 एक्शन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। हेलो तो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ताहा हुसैन और मेरा नाम है मोहसिन खान। तो आप सब देख रहे हैं दी रिएक्टर्स। तो गाइस, आज के ही वीडियो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पठान मूवी के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। और इस वीडियो को हमें सजेस्ट किया है और ये बताया गया है कि यार आप देखें, इसमें इस वीडियो पठान मूवी ने अनगिनत रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरे कहना क्या चाहते हो। मूवी रिलीज हो रही है 25 जनवरी को और उससे पहले ही पठान मूवी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले रणवीर कपूर की एक मूवी है ब्रह्मास्त्र, उसके भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए तकरीबन। यानी बहुत धमाका कर दी है ये वीडियो मूवी। सॉरी साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और ये 25 जनवरी को रिलीज होगी, उससे पहले ही इसने अपनी मकबूलियत ना उरूज पे अपनी पोजीशन इसने बना ली है। ब्लॉकबस्टर जाने वाली है ये मूवी, तो हम देखते हैं। और क्यों ना जाए ये मूवी, क्योंकि ये मूवी है ही शाहरुख खान साहब की है मूवी, भाई किंग खान बॉलीवुड के। और हम देखते हैं क्या है क्या नहीं, कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए इस मूवी ने, तो आपसे शेयर करेंगे। देखने से ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ये जो वीडियो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इनके चैनल को भी देख लिएगा और सब्सक्राइब लाइक कर दिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं और बताते हैं आपको। शाहरुख खान की फिल्म पठान के बॉक्स ऑफिस की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, पठान फिल्म बॉलीवुड की काफी बड़ी एक्शन फिल्म है और इसमें आपको शाहरुख खान के साथ साथ सलमान खान का भी काफी। वही फिल्म में आपको बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर थी और ऋतिक रोशन की फिल्म वार 2 को लेकर भी काफी बड़ी हिंट मिलेगी। और एक फिल्म में तीन बड़े सुपरस्टार होने की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा धमाका भी करेगी। लेकिन फिल्म के बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े रिकॉर्ड की बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉलीवुड की पहली फिल्म बन चुकी है जिसे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 8,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। 8,000 से ज्यादा स्क्रीन पे रिलीज करेंगे इसको, बिगेस्ट वो है ये। और ऑनलाइन भी मैंने सुना है कि इसके 7,00,000 कुछ ऐसे टिकट्स भी बुक हो रहे हैं। यानी बहुत मजा आने वाला है भाई, ये ब्लॉकबस्टर करने वाली है। लोगों ने इसको इतना पसंद करना शुरू कर दिया इसके ऑनलाइन। क्यों ना करे भाई, किंग खान की मूवी है, खान शाहरुख खान। 25 जनवरी को क्या होता है। सो भाई, उनके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा और हमारी कमेंट्स बॉक्स में भी जाकर अपनी राय का इजहार करिएगा, उनकी भी करिएगा और हमारे भी कमेंट बॉक्स में के बारे में बताएं। मैं नहीं बताऊंगा। आपको क्या लगता है कि ये 25 जनवरी को रिलीज होगी तो कितना नोट कमा पाएगी, कितना नहीं कमा पाएगी, कर देगी इंडिया की पहली फिल्म बन पाएगी या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। भाई मेरे हिसाब से तो कर जानी चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान वाला यानी उसमें आने वाली है। और मैंने ये भी सुना है यार, KGF जो मूवी है उसका भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया और बहुत सी मूवीज इसका रिकॉर्ड तोड़ चुकी है पठान।
बाहुबली का भी रिकॉर्ड तकरीबन तोड़ ही चुकी है। तोड़ चुकी है। रिलीज होने से पहले पठान ने इतना कमाल कर दिया है कि इतना धमाका कर चुकी है ये मूवी। और आप ये सोचेंगे जब ये रिलीज हो रही होगी उस पर कितना धमाका हो रहा होगा। और भाई सबसे बड़ी बात है सार के कि इसने के उसने जीरो प्रमोशन रखी है इस मूवी में। तो उसने खुद कहा है कि उसने कहा है कि भाई मुझे जरूरत ही नहीं है, लोग भी कर रहे जा रहे हैं उसकी प्रमोशन। उसकी फैन फॉलोइंग भी तो इतनी प्यारी है भाई। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ यार, आप पोस्टर जला के और उसका पुतला जला ये के नहीं करना चाहिए, इससे आप उल्टा फेम दे रहे हो और अपना लोगों की अवेयरनेस लेकर आ रहे हो कि यार एक मूवी है इसको बहुत हाइट मिली है, तो अब वो लोगों तक लेकर आ रहे हो। देखो ये चीज से पब्लिक कर रहे हो आप लोग, इससे घरे गुजर गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो कहता हूँ अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई ना आप खामोशी इख्तियार कर लो। कहता हूँ आपको कुछ करने को फर्क नहीं पड़ेगा। शाहरुख खान को कोई फर्क पड़ा ना उसकी फिल्म को कोई फर्क पड़ा। शाहरुख खान अपना पत्ते खेल रहा है घर में और वो फिर एंजॉय कर रहा है। 25 तारीख को बैठेगा तख्त पे वो अपने और देखेगा तमाशा, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भाई आप लोग भी अपने आप को तो ठंडा वंडा रखें भाई, चिल करें चिल करें। ऐसा नहीं होता कि भाई पुतले जला दो आग लगा दो, थिएटर में कोई देखने जाए तो थिएटर को जला दो, ऐसा नहीं करना भाई। नहीं करना भाई, मार की तरफ नहीं जाए तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, तो हमें तो इंतजार है 25 तारीख को देखते हैं वीडियो। 25 जनवरी को ये मूवी रिलीज हो रही है। कितना कमाती है और कितना नहीं रिकॉर्ड तोड़ती है तो हमें दीजिए इजाजत। तो लाजमी एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, कमाएगी तो लाजमी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो हमें दीजिए इजाजत इस अपने पन के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।